ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है जी क्लास का। आवाज आ रही है? यस सर। चलो ठीक है। तो कल हमने ये सर्किट बनाया था। सर्किट बनाने के बाद हमने क्या चेक किया था जी? इस सर्किट को रन करवाया था ना। एक बार मैं फिर से रन करवा देता हूँ। रन करवाया था तो कुछ ऐसा एक अलग विंडो में आया था ना। हाँ या ना, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। सर ठीक है। यस फिर हमने क्या किया था? वोल्टेज चेक किया था, यस सर करंट चेक किया था यस और सर और पावर चेक पावर। किया। ठीक है। अब मान लो कि मेरे को ग्राफ देखना है। ठीक है, ये तो डीसी है जी, डीसी का तो स्ट्रेट ग्राफ आएगा। अगर एसी आता तो यस उसका सर साइनसोइडल आता। ठीक है, तो मान लो कि यस मुझे ग्राफ देखना है। ठीक है, तो ग्राफ देखने के लिए क्या करेंगे? यहाँ देखिए मार्कर है, दिख रहा है? क्या लिख रहा है यहाँ? वोल्टेज स्लैश लेवल मार्कर दिख रहा है? यस यहाँ वोल्टेज डिफरेंशियल मार्कर, यहाँ करंट मार्कर, यहाँ पावर डिसिपेशन मार्कर। तो मान लो कि मेरे को वोल्ट, ठीक है, तो ये मैंने सेलेक्ट किया, तो देखिए एक मार्कर आ गया ना। नहीं दिख रहा है। यस कैसे नहीं दिख रहा है? सर दिख रहा है सर दिख सर तो वोल्टेज मैंने यहां लगा दिया, वोल्टेज मार्कर। ठीक है, मान लो और कहाँ का वोल्टेज देखना है? यहाँ का वोल्टेज देखना है और कहाँ का वोल्टेज? चलो दो ही जगह का वोल्टेज अभी हम लोग देखते हैं। तीन जगह का वोल्टेज हम लोग कर दिए हैं। ठीक है, ठीक है जी। ये तीन वोल्टेज सर मार्कर दिख रहा है, यहाँ का मैं वोल्टेज देखना है, तो रन करवाएंगे अब। ठीक है, देखिए यस अब ग्राफ में कुछ आया, तीन कलर के लाइन दिख रहे हैं जी, एक नहीं दिख पर्पल रहा है, सर एक यस सर पर्पल है, एक ऑरेंज है यहाँ यस पर, ठीक है, और एक ग्रीन और है। सर ऑरेंज रेड वाला है ना जो रेड है, चलो जो भी है रेड होगा। ठीक है, और यहाँ पर ग्रीन है। ठीक है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना जी? यस तो स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि हम लोग जो डीसी वोल्टेज वोल्टेज सप्लाई सप्लाई कर दे रहे रहे हैं हैं सर, डीसी डीसी वोल्टेज दे रहे वोल्टेज हैं। ठीक है, सप्लाई की। ठीक है। अब मान लो कि वोल्टेज के साथ मेरे को करंट भी देखना है। ठीक है, तो करंट मार्कर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यह अच्छा करंट कहाँ लगेगा? करंट तो नोड पे नहीं लगता है ना, नोड पे तो करंट जीरो होता है ना जी। बोलिए, यस केसीएल क्या सर कहता है? यस सर अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट, एट ए नोड इक्वल्स टू जीरो सर। ठीक है, तो करंट मार्कर के बारे में बोल रहा है कि करंट मार्कर आप पिन पे लगाइए। तो मैं करंट मार्कर पिन पे लगाता हूं, एक यहां येलो लगा और एक यहां, जो भी है पिंक कलर का है, और एक यहां लगाया। ठीक है, फिर राइट क्लिक, एंड मोड, फिर रन करवाएंगे।
तो देखिए और भी कुछ ग्राफ ऐड हो गया ना जी, दिख रहा है ना अब? जी सर। ठीक है, तो हमें करंट भी दिख रहा है, वोल्टेज भी दिख रहा है, सब कुछ मेरा मींस थर्ड स्टेप जो था वो मेरा क्लियर हो गया। थर्ड स्टेप क्या था? वेरिफिकेशन एंड सिमुलेशन। वेरिफिकेशन एंड सिमुलेशन। सिमुलेशन। तो ये हमारा डन हो गया। ठीक है, सिमुलेशन क्या? सिमुलेशन अब इन सब मार्कर को हटाना है, तो सेलेक्ट करके आप लोग डिलीट करते जाइए। सेलेक्ट करके डिलीट बटन होता है, डिलीट कर दीजिए, या सेलेक्ट करके राइट बटन में भी डिलीट का कहीं ऑप्शन होगा, डिलीट डिलीट डिलीट। अब बताइए, ये तो मेरा सर्किट बन गया जी, वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, तो क्या यही सर्किट बनाना है, चेंज करना है? कोई एक जन बोलो। कोई एक बोलिए। सर यही बनाना है। तो यही सर्किट ना बनेगा? नहीं, ये सर्किट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा बताऊं? जब भी हम लोग कोई सर्किट बनाते हैं तो वोल्टेज सप्लाई जो देते हैं वो बाहर से देते हैं ना जी, आप समझ रहे हो कि नहीं? इस सर्किट को मैंने चेक किया है 12 वोल्ट डीसी पे। ठीक है, कोई 5 वोल्ट डीसी की तो दे के चेक करना चाहेगा ना। आप कहीं भी सर्किट देखिए, ठीक है, जैसे मोबाइल का ही सर्किट देख लीजिए, या लैपटॉप का ही सर्किट देख लीजिए, या अपना ब्रेडबोर्ड पे भी जो बनाते हो, तो ब्रेडबोर्ड पे जो बनाते हो तो ये 12 वोल्ट डीसी क्या वो सर्किट में ही अंदर रहता है या बाहर से हम लोग सप्लाई देते हैं? बाहर से सप्लाई देते हैं ना। यस सर। ठीक है, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सर्किट मैंने 12 वोल्ट डीसी पे चेक किया है, लेकिन ये सर्किट चलो ओके है, वेरीफाई करके सिमुलेट कर लिए, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि यूजर इसको 12 वोल्ट पे ही करे, या चलो 12 वोल्ट पे भी करे तो सप्लाई तो बाहर से आएगा ना। आप लोग अपने लैपटॉप को मोबाइल को चार्ज करते हो ना, बाहर से ही सप्लाई मिलता है ना। यस सर। यस सर। हाँ सर। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, इस 12 वोल्ट को डिलीट करना होगा और इस ग्राउंड को डिलीट करना होगा, और इसके जगह कुछ हमें ऐसा दो पॉइंट लगा देना है, खुला हुआ पॉइंट, ठीक है, जहां हम लोग बाहर से वोल्टेज दे सके। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, कनेक्टर टू। कनेक्टर टू मतलब CON2। देखो ये कनेक्टर टू आया जी, कॉन टू के नाम से, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। अब क्या करेंगे, इस कनेक्टर टू को यहां मैंने कनेक्ट कर दिया। एस्केप, और फिर इस वायर से मैंने इसको और इसको कनेक्ट कर दिया। समझ में आ रहा है? मैंने सप्लाई देता है सर। नहीं, ये सप्लाई देता है। नहीं, ये सिंपल कनेक्टर है, दो पॉइंट का ये कनेक्टर पर दो पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट में आप बाहर से वोल्टेज दोगे, जैसे सिंपल ब्रेडबोर्ड में क्या करते हो जी, बाहर से सप्लाई वोल्टेज देते हो ना, तो किस पॉइंट में देंगे? तो इसी पॉइंट पे ना। अब ये वायर थोड़ी है कि वायर से वायर को कनेक्ट कर देंगे, ये तो बोर्ड है ना।
बोलिए। यस यस आपको ये समझ में आ रहा है कि कनेक्टर टू मैंने क्यों ऐड किया है? सर यहाँ पे कनेक्टर का क्या काम है? अरे यार आप सर्किट बनाए हो तो आप वोल्टेज, ये सर्किट मैंने बनाया तो इसमें मैंने 12 वोल्ट से चेक कर लिया ना कि चलो 12 वोल्ट सप्लाई देके चेक कर रहे हैं, ओके है ठीक है। लेकिन जब सर्किट ब्रेड जब भी पीसीबी पे बना रहता है तो बाहर से ही ना हम लोग वोल्टेज सप्लाई देते हैं जी। यस तो बाहर से वोल्टेज सप्लाई 12 वोल्ट देने का मतलब है कि यहाँ हमें कुछ दो पॉइंट लगाना होगा ना कनेक्टर। यस यस इसी पे ना हम लोग फिर सप्लाई देंगे बाहर से। यस सर हाँ सर क्यों लगाएंगे? यस क्यों लगाएंगे? अभी तो वही चीज बता रहा हूँ ना, वोल्टेज देने के लिए सर डिफरेंट टाइप वोल्टेज। अरे आप लोग एक बात सर, बाहर से सप्लाई देने के लिए आप लोग एक बात बताइए, कहीं भी ठीक है, मान लो कि कुछ भी चीज खरीद के लाते हो ठीक है, कुछ भी चीज खरीद के लाते हो तो उसको बाहर से वोल्टेज देते हो ना जी। बोलिए। यस तो बाहर से वोल्टेज देते हो तो फिर वो जो दो वायर रहता है वो सर्किट में कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है ना, जैसे कि आपका लैपटॉप है तो लैपटॉप का एक पर्टिकुलर जगह है ना कनेक्ट करने का जी। तो लैपटॉप के चार्जर का एक पर्टिकुलर जगह जिस जगह पे कनेक्ट करते हैं उसी को कनेक्टर कहते हैं। ओके सर। हाँ तो कनेक्टर बहुत बहुत सारा होगा, कौन वन होगा, कौन टू होगा, कौन थ्री होगा, CON4 होगा। कौन टू मतलब दो वायर, कौन थ्री मतलब तीन वायर। देखते हो ना थ्री पिन प्लग, टू पिन प्लग, ऐसा सुनते हो ना जी। यस सर ठीक है सर। ये हमारा कनेक्टर है। अब ये पहले मैंने इस सर्किट को क्या किया जी, सर्किट को 12 वोल्ट इनपुट देके मैंने वेरीफाई किया कि हाँ सर्किट सब कुछ सही है ठीक है। अब क्या किया, 12 वोल्ट को रिप्लेस करके, क्योंकि अब सर्किट को बनाना है तो 12 वोल्ट सप्लाई जो है वो तो बाहर से आएगा, तो बाहर से जबकि सप्लाई आएगा तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होगा ना, तो जहां कनेक्ट होगा उसी को हम लोग कहते हैं कनेक्टर। और दो इनपुट का कनेक्टर चाहिए तो कौन टू, तीन इनपुट का, तीन आउटपुट अगर निकले कनेक्टर से तो कौन थ्री ठीक है। ठीक है तो अब मैं क्या करूंगा, फाइल सेव, इस सर्किट को मैंने सेव कर लिया। अब इसी सर्किट को हमें बनाना है तो थर्ड स्टेप हमारा हो गया था जी। बोलिए हाँ या ना। हाँ सर। यस सर। यस सर। अब क्या करना है? फुटप्रिंट एंड मैपिंग। फुटप्रिंट एंड मैपिंग। फुटप्रिंट एंड मैपिंग नहीं है, प्रिंट मैपिंग है। प्रिंट मैपिंग है। फुटप्रिंट मैपिंग है। जा रहा है बहुत ज्यादा या रिया किसी का आवाज आ रहा है? नहीं सर मेरा नहीं है। पुरुषोत्तम कुमार है सर। चलो अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे फुटप्रिंट मैपिंग के लिए, तो ये जो फाइल है ये स्कीमेटिक पेज है ना, इसमें तो हम लोग स्कीमेटिक बना रहे हैं। ये जो हमारा है बगल में दिख रहा है, बगल का विंडो, ये हमारा प्रोजेक्ट फाइल होता है, जितने भी फाइल हैं यही सेव होते हैं ठीक है। ये क्या था मेरा स्कीमेटिक पेज था, स्कीमेटिक जिस पे मैंने ड्रॉ किया है, सेकंड वाला स्टेप स्कीमेटिक एंट्री ठीक है, और इसी को हमने वेरीफाई वगैरह सब कर लिया है। अब आते हैं इस चीज को समझना है कि फुटप्रिंट मैपिंग क्या होता है ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये मान लो R1 रेजिस्टेंस है ठीक है, अब बोर्ड में मुझे रेजिस्टेंस R1 लगाना है तो कौन सा रेजिस्टेंस लगाना है जी,
वही तो रेजिस्टेंस होगा ना, जिसका लेंथ होगा, विड्थ होगा, उसके लेग्स का कुछ डायमेंशन होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। रजिस्टर तो ये हम लोग ठीक है, ये कॉपी में ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करते हो ठीक है, तो थ्रू होल रजिस्टर लगाते हो ना जी? यस सर। तो यस सर। थ्रू होल रजिस्टर लगाते हो तो उस रजिस्टर का कुछ डायमेंशन होता है ना, उसका कुछ लेंथ होता है ना, कुछ विड्थ होता है ना। हाँ सर। यस हाँ, वही हमें हर जगह पुट करना है, उसी को हम लोग कहते हैं फुटप्रिंट मैपिंग। जैसे ये कौन टू है, कनेक्टर टू है ठीक है, तो कनेक्टर टू का कुछ डायमेंशन होगा ना जी, इसका कुछ लेंथ होगा, कुछ विड्थ होगा, कुछ इस तरीके से होगा ना। बोलिए। यस सर। यस सर। हाँ, तो अब हम लोग R1 के जगह जो भी रजिस्टर लगा रहे हैं उसका एग्जैक्ट डायमेंशन क्या है हमें R1, हमें इस सर्किट को बताना है, तब तो सर्किट उतना स्पेस लेगा ना जी। समझ में आ रहा है बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। जैसे अभी देखो R1, R2, R3, R4 सब एक जैसा दिख रहा है ठीक है, लेकिन अब हमें कौन सा रजिस्टर लगाना है? अगर कोई भी रजिस्टर लगाएंगे ठीक है, तो उसका कुछ अपना पर्टिकुलर डायमेंशन होगा, डायमेंशन होगा तो उसके लेग्स होंगे, लेग्स का कुछ डायमेंशन होगा, उसी के थ्रू तो होल करेगा ना, उतना ही होल करेगा ना पीसीबी में। बोलिए। जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। आप इस बात को समझ रहे हो ना कि मुझे तो पीसीबी में इसे इस कंपोनेंट को प्लेस करना है, तो प्लेस करना है तो इसका डायमेंशन भी तो हमें देखना है ना, कि विड्थ क्या है, लेंथ क्या है। ऐसे ही थोड़ी होगा कि दो जगह कहीं ड्रिल कर देंगे और कंपोनेंट लगा देंगे। नो सर। चलो ठीक है, तो इसी को कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं फुटप्रिंट मैपिंग। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फुटप्रिंट मैपिंग। अब रुक जाओ एक मिनट, मैं सर के आता हूं तब समझ में आएगा। मेरी वीडियो आ रही है? यस सर। अभी नहीं आ रहा सर। यस सर। आ रही है ना? अब फुटप्रिंट मैपिंग। अरे यार आ जाएगा, थोड़ी देर वेट करो। यस सर आ रहा। तो फुटप्रिंट मैपिंग को हमें समझना है ठीक है, एक मिनट। क्लियर नहीं दिख रहा है सर। अरे यार क्लियर दिख रहा है, नेट का प्रॉब्लम होगा ना। देखो दिख रहा। मान लो कि ये सब हमारा कंपोनेंट प्लेस है ठीक है, ये देखो यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है ना सीरीज से। यस सर। ठीक है। यस सर। तो मशीन को क्या करना है, इसके लिए ड्रिल करना है ना जी। Yes, बोर्ड में ड्रिल करेंगे तभी तो होगा ना। तो अब ड्रिल हम करेंगे तो किस विड्थ का ड्रिल करेंगे? जो ड्रिल होगा, ड्रिलिंग जो होगा, उसका विड्थ क्या होगा, कैसे चलेगा? सर जो उसकी लेग्स का विड्थ होगा, रजिस्टर के लेग्स का। हाँ, रजिस्टर के लेग्स का। तो ये कौन बताएगा, क्योंकि अभी जो हम लोग सर्किट बनाए हैं उसमें तो विड्थ वगैरह नहीं है। अभी जो हम लोग सर्किट बनाए उसमें तो विड्थ नहीं है, तो मुझे खुद बताना होगा
मुझे अपने सिस्टम को बताना होगा कि मैं ये रजिस्टर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये रजिस्टर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा कि अच्छा ये बंदा ये रजिस्टर सेलेक्ट कर रहा है और इस रजिस्टर का डायमेंशन ये है, तो मुझे इस हिसाब से ड्रिल करना है। जैसे ये आईसी है, ये आईसी है ना जी, हाँ, तो आईसी यहाँ भी ड्रिलिंग किया हुआ है, कैसे पता चलेगा कि किस प्लेस पे मुझे ड्रिल करना है? अगर सिंपल इस आईसी की बात करूं तो कैसे पता चलेगा कि कितने लेग्स हैं और हर लेग्स के बीच में विड्थ कितना है, हर लेग का डायमेंशन क्या है, ये कैसे पता चलेगा सर्किट को? तो इस सर्किट को हमें बताना होगा कि हम लोग कौन सा रजिस्टर सेलेक्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। तो जैसे ही हम बताएंगे कि हम लोग ये रजिस्टर या ये आईसी सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लाइब्रेरी में वो होगा। अच्छा, उसको कैसे पता चलेगा? चलो हम तो बता दिए कि रजिस्टर ये सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि इतने इतने लेंथ पे मुझे ड्रिल करना है, ये करना है, इतने डिमेंशन से ड्रिल करना है, उसे कैसे पता चलेगा? तो उसके लाइब्रेरी में ये सब कंपोनेंट, जितने कंपोनेंट्स है ना, ये सॉफ्टवेयर के लाइब्रेरी में ऑलरेडी मौजूद है। उस हिसाब से समझ जाएगा, मैप करेगा अपने आप को और समझ जाएगा कि यहाँ यहाँ मुझे ड्रिल करना है। समझ में आ रहा है बात? अब समझ में आया? हाँ सर। प्रोसेस करते हैं, फुटप्रिंट मैपिंग प्रोसेस करते हैं। सर वीडियो नहीं दिख रहा था, थोड़ा और बता दीजिए ना, अब दिख रहा है। तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है? फुटप्रिंट। हाँ सर, ये जो ड्रिल करने का प्रोसेस है, यही प्रोसेस फुटप्रिंट मैपिंग कहलाता है? नहीं, ड्रिल करने के प्रोसेस को नहीं कहते हैं। तो सर फुटप्रिंट का मैपिंग कहने का मतलब मुझे सर्किट को, इस सर्किट को एक इंफॉर्मेशन देना है कि जो R1 है वो मैं कौन सा सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो R1, जैसे मैं बताऊंगा कि मैं ये रजिस्टर सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये खुद समझ जाएगा कि इतने लेंथ पे मुझे ड्रिल करना है, इसका ये डायमेंशन है, उसका वो डायमेंशन है, इस तरीके से। मींस मैं क्या कर रहा हूँ, जो R1 मेरा वर्चुअल दिख रहा है, ये वर्चुअल R1 है ना? यस सर। उसको प्रैक्टिकल R1 में चेंज करने को ही फुटप्रिंट मैपिंग कहते हैं। ठीक है, आगे आगे क्लियर होगा, देखते हैं। ठीक है, तो फुटप्रिंट मैपिंग के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? अपने प्रोजेक्ट फाइल पे जाएंगे। इससे कहते हैं प्रोजेक्ट फाइल, जो ओरिजिनल हमारा बना हुआ रहता है। ठीक है, इसमें देखिए तो कहीं पर .dsn फाइल दिख रहा है, .dsn फाइल दिख रहा है सर? दिखाई नहीं दे रहा है क्लियर से, आप बोल दीजिए। दिखाई दे रहा है जी सर, दिख रहा है सर। यस सर, दिख रहा है सर। .dsn फाइल, हाँ .dsn, ठीक है। इस पे राइट क्लिक करें, इस पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और राइट क्लिक करने के बाद एडिट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, एडिट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो एडिट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पे गए, ठीक है। जब एडिट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पे गए और इधर हम लोग राइट जाते हैं, ठीक है, तो देखो ये सब चीज आया। यहाँ देखो पार्ट रेफरेंस आया ना, पार्ट रेफरेंस दिख रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। जे वन और उसके बाद आर वन से आर सेवन तक है। और यहाँ देखो पीसीबी फुटप्रिंट, इसमें खाली है, हाँ ठीक है, और बाकी में
ऑटोमेटिक खुद से डिफॉल्ट ले लिया है AXRC05। ठीक है, हाँ। अब आता है कि सर हम लोग फुटप्रिंट मैपिंग कैसे पता करें, ये जैसे AXRC05 कहां से आया, तो ये डिफॉल्ट ले लिया है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आप मान लो यहां मैं नेट ऑन कर रहा हूं, यहां डीजी की डी आई जी आई की लॉबी में अवनीश चौधरी वेट कर रहा है, उसका एक्सेप्ट कर लो इमरान। देखो डीजी की, ठीक है, इस पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब मान लो हमें रजिस्टर सेलेक्ट करना है, ठीक है, रजिस्टर, ठीक है, तो रजिस्टर का मान लो डेटा सीट हम लोग सेलेक्ट करेंगे। चिप रजिस्टर, कौन सा रजिस्टर लेना है? चिप रजिस्टर, चिप या होल रजिस्टर, तो मान लेते हैं चिप रजिस्टर। क्यों? सरफेस माउंट है, तो इस पे हम लोग क्लिक किए। ठीक है, कितने ओम का चाहिए, तो मान लेते हैं 3.4 ओम का चाहिए हमें। ठीक है, पावर डिसिपेशन कुछ चाहिए, टॉलरेंस कुछ चाहिए, कार्बन फिल्म चाहिए। तो देखो ये रजिस्टर्ड आया। यस सर। डेटा सेट, इसका यहां से डेटा सेट खुलेगा। ठीक है, तो देखो सबका नाम यहां आ रहा है जी, नाम दिख रहा है यहां,
RR1005M. यस सर. मेरे कहने का मतलब है, देखो फुटप्रिंट मैपिंग क्या होता है ये ऐसे तुमको नहीं समझ में आएगा. जब आप लोग सर्किट बनाओगे ना, कोई भी सर्किट, ठीक है, तो कंपोनेंट आप खरीदोगे ना जी. जब भी कंपोनेंट आप लोग कंपोनेंट को नेट पे आप लोग देखोगे उसका फुटप्रिंट मैपिंग या डेटा, ठीक है, तो डेटा शीट में वो कंपोनेंट के बारे में बताता रहता है, ठीक है. यस सर. चलो तो अब आते हैं यहाँ पर. तो जम्पर का जो J1 है, J1 क्या था, कनेक्टर है. J1 जो है वो मेरा कनेक्टर है. कनेक्टर है यहाँ देखो सर्किट में. J1 इतना कनेक्टर है. हम लैब करने आ सकते हैं? हाँ जी, दशहरा के बाद लैब करने आ सकते हैं. हाँ, दशहरा के बाद मैं कुछ प्लान करूंगा ऐसा कि आप लोग आ सकते हो, ठीक है. ठीक है, अभी यहाँ ध्यान दीजिए, J1 है ना. यस सर. अब J1 के अक्रॉस हमें क्या देना है, ठीक है. तो J1 के जगह J1 का फुटप्रिंट नेम है जम्पर, जम्पर 2, ठीक है, याद रखिएगा, JUMPER 2. अब जैसे ही J1 के जगह जम्पर 2 दे रहे हैं, मतलब क्या, मतलब हम अपने सॉफ्टवेयर को बता रहे हैं कि जो हम लोग का कनेक्टर 2 है, जिसको आप लोग J1 पार्ट कह रहे हो, उसके जगह वही उसी के जगह हम लोग जम्पर 2 ले रहे हैं. तो ये जम्पर 2 कैसे समझेगा, इसके कहीं तो होना चाहिए ना जम्पर 2 के बारे में इंफॉर्मेशन. बोलिए हाँ या ना. यस सर. ठीक है, और रजिस्टर को लेते हैं, रजिस्टर जो है हमारा उसको लेते हैं RES 400. एक बार ये स्टेप मेरे को कर लेने दो, फिर मैं बता देता हूं अच्छे से. तो देखो यहां J1 के जगह मैंने PCB फुटप्रिंट का नाम दिया जम्पर 2, और जितने भी रजिस्टर हैं उसके जगह मैंने क्या दिया बताइए. RES 400. ठीक है, अब सर ये आप क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मैं इतना इस पे काम किया हूं कि मेरे को पता है कि ये सब चीज है. आप लोग कैसे करोगे, अगर नया कंपोनेंट लगा रहे हो तो आप लोग वैसे ही डीजी की में जाके कौन सा कंपोनेंट आपने खरीदा है उसका डेटा शीट होता है, उस डेटा शीट में क्या नाम से है वहां से पता चलेगा. ठीक है, अब सबसे पहले हमें देखना है कि ये सब जो इंफॉर्मेशन हम इस सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर के पास कहीं ये इंफॉर्मेशन है कि नहीं, रहेगा तभी तो वो मैच कर पाएगा ना जी. यस सर. यस सर. अगर अगर मैं आपको कहूंगा कि मैं जैसे कि पटना से बिहटा आ रहा हूँ, ठीक है, अब पटना से बिहटा आ रहा हूँ, मैं बोलूंगा कि ठीक है मैं बाइक से आ रहा हूँ, तो आपके दिमाग में खुद समझ में आ जाएगा कि सर को एक घंटा जरूर लगेगा. क्यों? क्योंकि इसका इंफॉर्मेशन आपके पास है, बाइक से आने में कितना टाइम लगता है, क्या लगता है, इसका इंफॉर्मेशन है. ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ये इंफॉर्मेशन इसके पास सेव है कि नहीं, तो इसके ओरिजिनल लाइब्रेरी में जाएंगे हम लोग. ठीक है, तो ओरिजिनल लाइब्रेरी का पाथ क्या होता है, जहां पर हमारा ये सॉफ्टवेयर है वहां जाता है. सॉफ्टवेयर जो है सी में
कहीं कैडेंस दिख रहा है? ये कैडेंस, यस सर, सी फोल्डर में कैडेंस में जाएंगे, कैडेंस में एसपीबी 17.2 इस पे गए, इसमें शेयर एस एच ए आर ई शेयर, शेयर में गए, शेयर में कहीं पीसीबी है, पीसीबी पे गए, पीसीबी में पीसीबी लाइब्रेरी है, वहां गए और वहां सिंबल्स हैं। अब देखो जितने भी यहां देख लो, जितने भी हमारे कंपोनेंट्स थे ना वो सब यहां हैं फुटप्रिंट के नाम से जितने भी। अब मान लो हमें देखना है कि हमने तो जंपर वन जंपर टू डाला है ना जी, जंपर टू इसके में है कि नहीं, तो जे यू एम पी ई आर टू मैंने यहाँ टाइप कर दिया जंपर टू, ठीक है, और एंटर किया तो देखिए जंपर टू आ गया ना, है ना जंपर टू। उसी तरीके से आर ई एस 400 RES 400 तो RES 400 भी है। अब हमें देखना है कि RES 400 दिखता कैसा है, तो डबल क्लिक करेंगे, तो ये RES 400 है, रजिस्टर है, दिख रहा है ना जी। तो देखो इसके पास सब इंफॉर्मेशन है कि कितने में ड्रिल करना है, मतलब ड्रिल वन और ड्रिल टू दोनों लेग के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ठीक है, ड्रिल वन का विड्थ क्या होना चाहिए, ड्रिल टू का विड्थ क्या होना चाहिए, ये सब इंफॉर्मेशन इसके पास है। समझ में आ रहा है फुटप्रिंट मैपिंग किसको कहते हैं? यस सर, यस सर। जो भी हम लोग कंपोनेंट सेलेक्ट करते हैं, रेजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, कनेक्टर हो गया, ठीक है, अब उसका इंफॉर्मेशन आपको अपने सिस्टम को देना है कि उसके अकॉर्डिंग वो ड्रिल करे, ठीक है। तो नाम कहाँ से हम लोग देंगे, मेन इंपॉर्टेंट बात आता है इस नाम का, इस नाम का जम्पर टू आरईएस 400 आरईएस 400 ये सब हम लोग कहाँ से देंगे? तो जो कंपोनेंट हम लोग यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग नेट से सर्च करेंगे, नेट पे कहां, डीजी की से। समझ में आ रहा है जी? यस सर। डीजी की में मान लो कि हम लोग कनेक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं, सी ओ डबल एन ई सी कनेक्टर, कनेक्टर अब आ रहा है सर्कुलर कनेक्टर, ठीक है, कार्ड एज कनेक्टर, कौन सा कनेक्टर आप यूज करना चाहते हैं, ठीक है। और यार साउंड कम करो यार, किसका आ रहा है, सनी ठीक है। तो इसका डेटा शीट हमें देखना है कनेक्टर का, सर्कुलर कनेक्टर, अब एक्टिव पैसिव उस तरीके से सब अपना सेलेक्ट करके यहां अप्लाई करोगे तो वहां से आपको दिख जाएगा, ठीक है। यस सर, यस सर, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने ये दे दिया, ठीक है, और यहां अप्लाई बटन है ना जी, अप्लाई है, अप्लाई पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, मींस मेरा फुटप्रिंट मैपिंग हो गया। यहां तक में किसी को डाउट? ये समझ में आ रहा है ना फुटप्रिंट मैपिंग क्या है? यस सर, यस सर, चलो ठीक है, यस सर। अब क्या है, नेटलिस्ट क्रिएशन सब कुछ कर दिए हैं, तो अब हम लोग क्या चाहेंगे कि ये सर्किट हट के जो मेरा ओरिजिनल शेप एंड साइज का सर्किट है वो आ जाए,
उसी को कहते हैं नेटलिस्ट क्रिएशन। ये मेरा क्या वर्चुअल सर्किट है ना जी, ये तो कॉपी में कोई भी बना सकता है ना, बोलिए। यस सर। अब हम लोग क्या चाहेंगे कि इस सर्किट के जगह जो हमने नाम दिया था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कंपोनेंट्स आ जाएं हमारे, ठीक है, इसी को कहते हैं नेटलिस्ट क्रिएशन। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से अपने प्रोजेक्ट फाइल में जाएंगे, ठीक है, डॉट डीएसएन है ना, हाँ, यस सर। अब देखो यहाँ, देखो अभी अभी हम लोग अभी प्रोजेक्ट अपने स्कीमेटिक पेज पे हैं, तो एक टूल्स का ऑप्शन है ऊपर में, देखो टूल्स है ना, यस सर। जब क्रिएट करेंगे तो देखिए यहाँ आ रहा है क्रिएट नेटलिस्ट, आ रहा है, लेकिन ये जो क्रिएट नेटलिस्ट है अभी, क्रिएट नेटलिस्ट जो है अभी एक्टिव नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग स्कीमेटिक पेज पे हैं, स्कीमेटिक पेज पे ये सब काम नहीं होगा, ये सब काम कहाँ होगा, हम लोग जब अपने प्रोजेक्ट फाइल में जाएंगे तब। अब प्रोजेक्ट फाइल में जाइए और टूल्स को सेलेक्ट कीजिए, तो देखिए आ गया क्रिएट नेटलिस्ट, एक्टिव हो गया ना, यस सर। तो क्रिएट नेटलिस्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ कुछ कुछ हमें चेंज करना रहता है, तो इस पे टिक करेंगे क्रिएट और अपडेट पीसीबी एडिटर बोर्ड, क्रिएट भी तो करना है ना जी, पीसीबी बोर्ड की तरफ अब जा रहे हैं, ये जितने भी हमारे कंपोनेंट्स आएंगे वो कहाँ आएंगे, पीसीबी बोर्ड पे आएंगे ना, ठीक है, यस सर। तो क्या करेंगे, क्रिएट और अपडेट पीसीबी एडिटर बोर्ड, इस पे जब क्लिक करेंगे और यहाँ एक लास्ट ऑप्शन है ओपन बोर्ड इन ऑर्किड पीसीबी एडिटर, ओपन बोर्ड इन ऑर्किड पीसीबी एडिटर, ये बोर्ड को हम कहाँ ओपन करना चाहते हैं, तो ऑर्किड पीसीबी एडिटर, ऑर्किड, ठीक है, ओके करेंगे। क्या कह रहा है कि इसी फोल्डर में हम लोग ओपन कर दे, हाँ सब कुछ तो हमारा उसी फोल्डर में होना चाहिए, ठीक है, तो यस करेंगे। देखिए कुछ जाने का साइन हो रहा है, आ गया हमारा एडिटर। आप लोग स्टेप्स लिख रहे हो कि नहीं जी? हेलो, यस सर। आप लोग लिख रहे हो कि नहीं? नहीं लिख रहे सर। ठीक है, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तब एक बारी लिख लेना आप लोग, ठीक है जी। सर, हम सबके पास सिस्टम भी नहीं है। तो सिस्टम नहीं है तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए सर। यूट्यूब पे अपलोड क्यों नहीं करते हैं? यूट्यूब पे आज से अपलोड कर देंगे, ठीक है, आज से अपलोड कर देंगे। हाँ वीडियो सर सब यूट्यूब कर दीजिए। यस सर, 19 और 20 का भी सब वीडियो लिंक शेयर कर दीजिएगा सर, कल वाला जरूर से कीजिएगा। यस सर, मंडे वाला भी, ठीक है, ठीक। ये अब मेरा क्या आ गया, बोर्ड आ गया, खाली बोर्ड है, ठीक है, समझ में आ रहा है? हम लोग नेटलिस्ट क्रिएट कर चुके हैं। नेटलिस्ट क्रिएट करने का मतलब जो हमारे वर्चुअल रजिस्टर और कनेक्टर थे उनको प्रैक्टिकल रजिस्टर कनेक्टर में
ठीक है, फिर उसको हम लोग इंपोर्ट कर दिए बोर्ड पे, उसी को कहते हैं नेटलिस्ट क्रिएशन। ठीक है, तो क्या अब नया स्टेप है तो आज कंटिन्यू करें या कल? अभी तो एक घंटा बचा हुआ है ना जी। यस सर। यस सर। अब हम लोग आते हैं पीसीबी एडिटर बोर्ड में। ये मेरा बोर्ड है, जो भी ब्लैक दिख रहा है ना, ब्लैक जो भी दिख रहा है ये मेरा बोर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले बोर्ड में मुझे कुछ चेंज करना है। क्या स्टेप क्या था जी? नेटलिस्ट क्रिएशन के बाद क्या स्टेप था? बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो बोर्ड में कुछ कुछ कॉन्फ़िगर करना है ना? कॉन्फ़िगरेशन। यस सर, बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो बोर्ड में कुछ कुछ चेंज करना है ना? ठीक है, तो पहले सेटअप में जाएंगे। सेटअप दिख रहा है? सेटअप ऊपर। हाँ सर। सेटअप में डिजाइन पैरामीटर है, दिख रहा है डिजाइन पैरामीटर? यस सर। डिजाइन पैरामीटर पे गए। ठीक है, यहाँ डिजाइन में सब कुछ है। ठीक है, इसमें डिस्प्ले है, एक बगल में डिजाइन है ना, डिस्प्ले के बगल में डिजाइन है, दिख रहा है जी? यस सर। यस सर, राइट साइड। हाँ, डिजाइन पे गए तो यहाँ देखिए यूजर यूनिट्स क्या है, मिल्स है, MILS दिख रहा है ना, मिल्स। यस सर। तो मिल्स क्या होता है? मिल्स को हम लोग चेंज कर देंगे मिलीमीटर में। मिल्स को हम लोग चेंज कर दिए मिलीमीटर में। मिल्स को देखो, मिल्स क्या है? मिल्स एक यूनिट है, डिस्टेंस का एक यूनिट है, जो कि मिलीमीटर से भी कम होता है। ठीक है, जैसे हम लोग वहां लिख रहे थे ना RES 400, तो 400 क्या था? डिस्टेंस को लेग के बीच में, लेकिन वो डिस्टेंस किस यूनिट में था? मिल्स में था। समझ में आ रहा है आपको? इंपोर्ट। हाँ सर, समझ में आ रहा। RES 400 जो हमने सेलेक्ट किया था, उसमें RES तो चलो रजिस्टर का था, 400 क्या था? 400 था दोनों लेग के बीच में डिस्टेंस, लेकिन उस डिस्टेंस का किस यूनिट में डिस्टेंस था? तो मिल्स में था। और हम लोग अपना जो बोर्ड बनाना चाहते हैं उसका डिस्टेंस हम लोग देखना चाहते हैं किसी पॉइंट का, किसी पॉइंट से डिस्टेंस मिलीमीटर में। तो पहले हम लोग यूनिट को चेक कर देंगे मिलीमीटर। ठीक है, तो यूनिट को किसको यूनिट को किस में चेंज कर दिए? मिलीमीटर में। फिर अप्लाई और ओके। ठीक है, ये हो गया। अरे आप लोग ग्राफ बनाते हो ना जी? ग्राफ बनाते हो तो लिखते हो ना, वन स्मॉल यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ऐसे ग्राफ में मेंशन करते हो ना कि एक डॉट से दूसरे डॉट के बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर है, या 1 मीटर है, या 1 किलोमीटर, जो भी है। yes, sir. उस तरीके से तो वही बता रहे थे कि मैंने अभी यूनिट कौन सा सेलेक्ट किया? मिलीमीटर। मिलीमीटर। अब दूसरा एक चीज और, सेटअप पे गए। ठीक है, सेटअप में एक ग्रिड्स है, ग्रिड्स दिख रहा है सेटअप में? यस सर। यस सर। ग्रिड्स पे और ग्रिड्स को ऑन किए, ग्रिड्स को ऑन किए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? सेटअप में गए। अभी ये नहीं समझ, देखो पहला तो समझ में आ गया ना, डिजाइन पैरामीटर में गए और मील से मिलीमीटर में चेंज किया, ये तो समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है, अब सेटअप में गए, ग्रिड्स को ऑन किए, ग्रिड्स को यहाँ ऑन किए। ठीक है, ऑन करने के बाद ये एक्स स्पेसिंग दिख रहा है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तरीके से दिख रहा है ना, इसको यहाँ क्या है 2.540। ठीक है, इसको हमें 1 करना है, तो 1.0000।
1.0000 और ऑफसेट हमारा जो है स्पेसिंग एक एक है, ठीक है, और ऑफसेट में 0.0 रहेगा। इसका मतलब समझ में आएगा। यहाँ भी क्या करेंगे, स्पेसिंग में 1 देंगे, 1.0। इसके बाद क्या बोले थे, देखो ना यहाँ x दिख रहा है ना, ये x yes, है, ये y है, स्पेसिंग बताया जा रहा है, ठीक है, और यहाँ ऑफसेट लिखा हुआ है जिसको हम लोग 0 रखे हैं। अभी आपको समझ में आएगा। फिर यहाँ क्या करेंगे, 1.000 ठीक है, ओके कर दिए। तो देखो एक ग्रिड आ गया, अभी आपको दिखेगा। कुछ दिख रहा है? हेलो, नहीं दिख रहा है, ब्लैक टाइप में, ब्लैक में कोई डॉट डॉट दिख रहा है, डॉट है सर, सर दिख रहा ना डॉट डॉट, यस सर, हां सर, इसी को कहते हैं, ये डॉट डॉट जो था इसी को हम लोग कहते हैं ग्रिड ऑन करना। आप लोग जब ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ में भी डॉट डॉट रहता है ना जी? हाँ सर, हाँ, पूरा छुप, तभी तो ग्राफ अच्छे से बन पाता है ना, बन पाता है ना जी सर। बोलिए, हाँ या ना? यस सर, हाँ सर। और जब हमने सेटअप, जब हम लोग सेटअप गए और ग्रिड्स में गए तो ग्रिड्स ये तो डॉट आया, ठीक है, लेकिन हमने जो स्पेसिंग किया है यहाँ पर, स्पेसिंग एक्स में 1 और वाई में भी 1, इसका मतलब क्या हुआ कि एक डॉट से दूसरे डॉट तक एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कितना है, 1 है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, कि एक डॉट से दूसरे डॉट के बीच में डिस्टेंस एक्स एक्सिस में कितना है, 1 है। और 1 क्या है, यूनिट हम लोग क्या अभी सेलेक्ट किए थे, मिलीमीटर। उसी तरीके से वाई में कितना डिस्टेंस है, 1 मिलीमीटर, ठीक है। समझ में आ गया इसका मतलब? जी सर, यस सर। अब हमें क्या करना है, ओरिजिन सेलेक्ट करना है। देखो डॉट्स दिख रहे हैं ना जी? Yes, sir. तो मतलब है कि एक डॉट से, एक डॉट से दूसरे डॉट के बीच में जो डिस्टेंस है, एक डॉट से दूसरे डॉट के बीच में जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस में, वो कितना है, 1 मिलीमीटर। उसी तरीके से एक डॉट से दूसरे डॉट के बीच में वाई एक्सिस में डिस्टेंस कितना है, 1 मिलीमीटर, ठीक है। अब एक स्टेप और हमें, अब एक चीज हमें और करना है, ओरिजिन देना है, ठीक है। ये तो ग्राफ बन गया ना जी, किसी का आवाज आ रहा है, अस्मिता का आवाज आ रहा था, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें ओरिजिन देना है, और जो भी हम लोग सर्किट बनाएंगे, ठीक है, जो भी कुछ सर्किट हम लोग बनाएंगे वो हमारा रहेगा, बताइए, वो हमारा रहेगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। चार कोऑर्डिनेट होते हैं ना जी किसी भी ग्राफ के? यस सर, यस सर। कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो जो भी हमारा प्रिंटर है वो उसी चीज को प्रिंट कर पाएगा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बना हुआ होता है। Yes, ठीक है। तो सब, अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट पहचानने के लिए सबसे पहले मुझे ओरिजिन देना होगा, उसी के हिसाब से तो पहचान पाएंगे ना। Yes, ठीक है।
तो ओरिजिन के लिए फिर सेटअप पे जाएंगे और देखिए यहाँ चेंज ओरिजिन है ग्रिड के नीचे है ना, ग्रिड के नीचे yes, तो इस पे सेलेक्ट करेंगे, अब मेरा ओरिजिन आ जाएगा, जहां हम प्रेस करेंगे वो मेरा ओरिजिन हो जाएगा। तो मान लो यहाँ हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ही सेलेक्ट किए तो ये मेरा ओरिजिन हो गया, ओरिजिन दिख रहा है, बोलिए yes, ये दिख रहा है, हाँ तो ये मेरा yes. क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। अब देखो एक चीज, देखो इस चीज को समझो, यहां पर कुछ आपको मेरा मेरा माउस दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर देखिएगा इस चीज को वेरी करते, इस यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, कुछ दिख रहा है, 12,000 नहीं है, 12.40 और यहाँ -2.40 ठीक है सर। जैसे ही देखो ओरिजिन पे हम रखेंगे तो क्या हुआ, 0-0 सब जीरो, एक राइट जाते हैं, एक डॉट राइट जाते हैं, तो क्या हुआ, वन हुआ और वाई एक्सिस पे जीरो है ना जी, यस सर, डॉट और राइट गए, तो क्या हो गया, 2 और 0 बोलिए, यहाँ गए तो 3.0, तो एक्स एक्सिस हम लोग बढ़ते जाएंगे तो उस हिसाब से चेंज होता जाएगा, उसी तरीके से वाई एक्सिस में जाएंगे तो वाई का वैल्यू चेंज होता जाएगा, हो रहा है ना, और रेंडमली हम लोग कहीं भी रख देंगे तो उस कोऑर्डिनेट को पॉइंट को बता देगा कितना है, ये जहाँ अभी अभी हम लोग कर्सर रख रहे हैं वो 10-11 तो 10 मतलब x एक्सिस में 10 और y एक्सिस में 11 ठीक है। अब हम लोग जो नेटलिस्ट क्रिएट किए थे, ठीक है, जो नेटलिस्ट हम लोग क्रिएट किए थे उसको यहाँ लाना चाहेंगे ना जी, तभी तो मेरा बोर्ड बनेगा ना, बोलिए यस सर, ठीक है, तो उस नेटलिस्ट को लाने के लिए यहाँ देखिए इंपोर्ट का कहीं बटन होगा, इंपोर्ट दिख रहा है सर, फाइल के बगल में सर, इंपोर्ट नेटलिस्ट है यस सर, बोलिए इंपोर्ट नेटलिस्ट, ठीक है, तो कहाँ सेव करना है, जो इंपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, जो भी हमारा नेटलिस्ट क्रिएट हुआ था उसको पहले सेव कहाँ करना है, तो पहले हम लोग यहाँ ब्राउज में जाएंगे, ठीक है, पहले अपने फोल्डर में जाएंगे, फोल्डर हमारा कहाँ था, बनाया था ना मैंने कल, यही था ना जी, 20-10-20-20 यस सर, इस पे डबल क्लिक किया, इसमें देखो एक एलिग्रो फोल्डर बन गया है, ALLEGRO एलिग्रो फोल्डर, ठीक है, बोलिए, उसी एलिग्रो फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है और फिर ओके कर देना है, ठीक है, चलो, अब जो भी कंपोनेंट्स थे हमारे नेट लिस्ट में जो भी थे वो यहाँ आ गए, अब क्या करना, उन्हें प्लेस करना है ना, बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना जी, बोलिए हाँ या ना, हाँ सर, बोर्ड में हमने यस सर, बोर्ड में सबसे पहले हमने यूनिट चेंज किया, मिल्स को मिलीमीटर में चेंज किया, बोलिए, फिर हाँ हमने ऑन किया, ग्रेड्स ऑन करने के बाद स्पेसिंग मैंने बता दिया 1-1 और उसके बाद ओरिजिन हमने कर लिया, ये तीन काम हमने कर लिया,
अब क्या करना है, जितने भी कंपोनेंट्स से रजिस्टर और जो भी जम्पर वगैरह है उन सब को यहाँ पर प्लेस करना है, सबको प्लेस करना है ना जी यहाँ, यही तो मेरा बोर्ड है ना। अरे बोलो कोई, हाँ या ना? यस सर, यस सर। ठीक है, तो कहीं प्लेस का ऑप्शन आ रहा है ऊपर में, कहीं प्लेस का ऑप्शन दिख रहा है? प्लेस, यस यस सर, एडिट के बगल में प्लेस है। यस सर, प्लेस की जाएंगे तो क्या है, कंपोनेंट मैन्युअली है। यस सर, सबसे फर्स्ट वाला। यस सर, तो कंपोनेंट्स मैन्युअली सेलेक्ट। अब देखिए यहाँ पर आ गया ना, J1 से लेके R7 तक आ गया। यस सर, यस सर। जैसे ही J1 पे क्लिक करोगे, जैसे ही J1 पे क्लिक करोगे ये आपके कर्सर से अटैच हो गया ना। यस सर, बोलिए। हाँ या ना बोलो, हो गया ना कर्सर से अटैच? यस सर, यस सर। अब जहां क्लिक कर दोगे ये वहां बैठ जाएगा, तो मान लो कि यहाँ हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है, तो J1 आ गया, आ गया J1। उसी तरीके से R1 दिख रहा है? यस सर। जैसे देखिए एक कनेक्शन के साथ आया है जी, क्योंकि कनेक्शन तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। सर्किट जब हम लोग बनाए थे तो वहां कनेक्शन दिए थे ना। बोलिए कि R1 को किसके साथ कनेक्ट होना है, R2 को किसके साथ कनेक्ट होना है, ये सब तो हम लोग पहले किए थे ना। यस सर, तो कनेक्शन बता के ही आएगा, तो फटाफट पहले हम लोग सब कर लेते हैं। R3 R4 R5 R6 slow चलो, अब दिख रहा है? यस सर, यस सर। अब हमें क्या करना है, इसे अच्छे से हमें प्लेस करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है जी? जी सर, सर। अच्छे से अब हमें इसे प्लेस करना है, तो देखो प्लेस कैसे करेंगे। मान लो स्पेस सेलेक्ट किए, राइट क्लिक, मूव का है, रोटेट का कहीं ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, क्लिक करके प्रेस करके और ड्रैग कीजिएगा तो मूव हो रहा है ना। और फिर इस पे राइट क्लिक करेंगे तो रोटेट का भी ऑप्शन आएगा, कहीं रोटेट भी है शायद? नहीं है सर, मिरर। रोटेट करने के बाद सर वो सिस्टमेटिकली हो जाएगा ना? हाँ, उसी हिसाब से हम लोग कर रहे हैं कि जैसे सिस्टमैटिक, ऐसे तो ठीक है, ऐसा बोर्ड बनाना चाहोगे, ऐसा बोर्ड नहीं ना बनाना चाहोगे जी? नहीं, बोर्ड अच्छा दिखना चाहिए ना जी। हाँ।
हो रहा है जी, रोटेट हो गया ना? अरे हाँ या ना, आप लोग अगर थक गए हो तो मैं फिर कल क्लास लूंगा। यस सर, हो रहा है सर। ठीक है, हो रहा था, नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ देखिए हम लोग पहले क्या किए थे, सेटअप में एप्लीकेशन मोड में इतने हैं, जनरल एडिट, प्लेसमेंट एडिट, ये सब है। तो अभी हमें क्या करना है, प्लेसमेंट करना है ना सबका, तो प्लेसमेंट करना है, प्लेसमेंट मोड में जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही प्लेसमेंट मोड पे गए तो अब सब कुछ होने लगा, तो इसे मैं रखता हूं, यहां हो गया R2, चलो R2 यहां दे रहा हूं, काम करता हूं, इसको पहले रोटेट कर लेता हूं। सर किसी का माइक बंद करवाइए, सब कोई म्यूट करो जी। अब ठीक लग रहा है थोड़ा? यस सर, पहले से बहुत अच्छा, पहले से ठीक दिख रहा है। यस पहले से ठीक है। यस सर, अब हम लोग क्या करेंगे, टाइगर वाला कहां है, टाइगर वाला है क्या, वहां से टाइगर बनवा। यहाँ देखिए अभी मेरा क्या था, एक्टिव क्लास एंड सब क्लास में पैकेज ज्योमेट्री था, एक्टिव क्लास और सब क्लास में मेरा पैकेज ज्योमेट्री था, इसको हम लोग करेंगे बोर्ड ज्योमेट्री में चेंज। बोर्ड ज्योमेट्री है? यस सर, हमेशा सर बोर्ड ज्योमेट्री। हाँ हाँ, बोर्ड ज्योमेट्री पे करेंगे। अब हमें क्या करना है बताएगा कोई? नो सर, नहीं, नहीं बताओगे, कोशिश करो ना बताने का। सर गड़बर, गड़बर कहाँ से कर देंगे यार, अभी तो कनेक्शन दिए ही नहीं है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आपका कनेक्शन इसका इसके थ्रू था, लेकिन कनेक्शन अभी दिए कहाँ है? अभी कनेक्शन ये तो बस ये बता रहा है ना, आप लोग पहले जो सर जो बनाए थे, ठीक है, पहले जो हम लोग सर्किट बनाए थे, अगर उस पे आते हैं, यही था ना सर्किट? जी सर, ये बता रहा है कि जम्पर वन से आर वन इस तरीके से कनेक्टेड था, ये सब बता रहा है, लेकिन इसमें अभी कनेक्शन आया कहाँ है सर? करंट बोलिए, तो इसमें हमें अभी कनेक्शन लास्ट सप्लाई देना होगा सर, राउटिंग, राउटिंग है ना? यस सर, राउटिंग।
राउटिंग। तो राउटिंग के लिए क्या करेंगे, कनेक्ट करना है। तो देखो तो यहाँ एक कनेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है ना, ऐड कनेक्ट, कहाँ पे से? पढ़ यस सर, दिख रहा है। या फिर ऐड में भी जाओगे तो ऐड में भी लाइन आ रहा है ना। यस सर, लाइन है सबसे ऊपर। तो अभी हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है, मीन्स सिंपली यहाँ कनेक्ट करना। अब देखिए, जैसे ही कनेक्ट पे मैंने क्लिक किया, इधर राइट साइड में दिख रहा है आपको, यस सर, यस सर। देखिए तो यहाँ क्या ग्रीन वाला जो है, ग्रीन वाला जो दिख रहा है, ये क्या है, टॉप है सर। हाँ, टॉप है, लेकिन एक्टिव लेयर, एसीटी, एसीटी मतलब एक्टिव। और जो येलो में दिख रहा है बॉटम लेयर, उसमें एएलटी दिख रहा है, एएलटी मतलब अल्टरनेट लेयर। ठीक है, मींस कहने का जो अभी आपको व्यू दिख रहा है ना, सुन रहे हो? यस सर। जो अभी आपको व्यू दिख रहा है, वो आपको क्या टॉप लेयर का व्यू दिख रहा है, ऊपर से टॉप लेयर सर, ग्रीन। एक मिनट, मैं जरा यहां से मेरा वीडियो दिख रहा है। यस सर। तो जो अभी हम लोग देख रहे थे वो क्या था, ये लेयर दिख रहा था ऊपर से, ये लेयर दिख रहा था ना, ये था एक्टिव लेयर। और अल्टरनेट लेयर किसको कहते हैं, इसके ऑपोजिट, मतलब बॉटम लेयर था मेरा अल्टरनेट लेयर। अब आप लोग बताइए, जो कनेक्शन हमें देना है वो टॉप लेयर पे होगा या बॉटम लेयर पे होगा कनेक्शन? बॉटम लेयर पे सर, बॉटम लेयर पे। ठीक है, यस सर। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो अब बताइए यहाँ हम लोग चेंज करें ना जी, राउटिंग मेरा किस में होना चाहिए, बॉटम लेयर पे ना, बॉटम में। यस सर, यस सर। तो टॉप को हमने चेंज कर दिया बॉटम में, दिख रहा है। अल्टरनेट लेयर क्या हो जाएगा, टॉप लेयर। अब देखिए तो कलर चेंज हो गया ना सर, बोलिए सर, ग्रीन से येलो हो गया ना। यस सर, यस सर। येलो अगर नीचे से देखेंगे हम लोग तो ये जो येलो पोर्शन दिख रहा है, ये तो ड्रिल का साइज बता रहा है, अभी कनेक्शन नहीं ना दिख रहा है जी, कनेक्शन तो नहीं सर। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो लाइन का, इधर राइट साइड में देखिए लाइन का विड्थ कितना लिखा हुआ है, 0.0 लाइन का विड्थ देखिए 0.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 0
का विड्थ हमें ज्यादा रखना है या कम रखना है, तो वो हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम लोग चेंज कर लेते हैं, इसको कर देते हैं 0.5000 सॉरी 0.5। हाँ बोलो, अपने मन से सर इसको लिख सकते हैं? नहीं आप अपने मन से नहीं, आप कितना अगर 0.1 देंगे तो बहुत कम हो जाता है,
अभी आपको 0.5 मतलब 0.5 मिलीमीटर का वेट, तो एक मिलीमीटर तो बहुत कम होता है जी सर, 0.5 इतना ठीक है, उससे भी मोटा रखना चाहोगे तो उससे भी मोटा रख सकते हो, उससे पतला रखना चाहोगे तो उससे पतला रख सकते हो। चलो इसको हम कितना कर दे, एक मिलीमीटर करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है सर, 0.6500 ठीक है इतना, बोलिए। यस सर। अब हमें करना क्या है, जब सब कुछ हो गया तो बस जो जो पॉइंट बता रहा है ना कि यहाँ देखो, यहाँ बताया ना कि ये पॉइंट इससे कनेक्टेड है ना जी। हाँ सर। तो क्या क्लिक करना है और इस तरीके से बढ़ते हुए यहाँ कनेक्ट कर देना। ओके सर, हो गया, इससे कनेक्ट हो गया। यस सर। इससे कनेक्ट, इससे कनेक्ट करना, इसको इससे कनेक्ट करना है, 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 इसको इससे कनेक्ट करना है। हो गया सब कनेक्शन जी, बोलिए हुआ सब कनेक्शन। अरे हाँ बोलो। हाँ सर, एक नीचे बचा हुआ है सर, नीचे का छोटा हुआ है, एक बचा हुआ है सर, नीचे में छुटा हुआ है और यहाँ छुटा हुआ है, दिख रहा है ना जी। यस सर। जी सर। फिर से कनेक्ट पे जाएंगे, अभी सब कुछ वैसा ही है। अब देखो ये जो वायर हम लोग लाएंगे यहाँ से, क्या इसके पास से ले जा सकते हैं ऐसे जी? नहीं सर। नहीं जाएगा ना, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन कैसे जाएगा, टू डायमेंशनल, मेरे पास वायर थोड़े है कि ऊपर से लेके चले जाएंगे। समझ में आ रहा है ना क्यों ऐसा हो रहा है? जब हम लोग ब्रेडबोर्ड पे बनाते हैं तो चलो ब्रेडबोर्ड पे ठीक है, क्योंकि ब्रेडबोर्ड पे हम वायर ऊपर से नीचे से कहीं से लेके जा सकते हैं, इस पे पॉसिबल है नहीं ना? नहीं सर। नो सर। तो हम लोग साइड से ले जाते हैं, इधर से जा सकता है ना? हाँ सर, बिल्कुल ही जा सकता है। हाँ सर। ये कनेक्शन हो गया, एक और बचा हुआ है ना जी, ये वाला बचा हुआ है ना ऊपर वाला। यस सर। इसको कहां से ले जाएं बताइए तो, इसको कहां से ले जाएं बताइए, साइड से लेके आइए सर। कहां साइड से? जो सर अभी बाहर ले गए इसके साइड से नहीं आ सकता इसे। इसके साइड से बताओगे तब तो। मैं एक मिनट,
हाँ अब यहाँ देखिए जी, ध्यान दीजिए। हेलो यस सर। इसको ये जो वायर है इसको हम इस कंपोनेंट के तो क्या कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं सर, चला जाए। हाँ यस सर, चल जाए। बोलिए कोई दिक्कत? नहीं सर। क्योंकि आप जो कंपोनेंट दिख रहा है ये ऊपर से फ्रंट व्यू दिख रहा है ना जी, नीचे से अगर देखा जाए तो कोई किसी को तो ये डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है ना जी? नहीं नहीं सर, नहीं। हाँ सर। ठीक है, अब इसका जरा हम लोग एक व्यू देखना चाहते हैं अच्छे से। कनेक्शन सब हो गया? कनेक्शन सब हो गया। अब यहाँ आते हैं, कलर डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पर कलर डायलॉग है। ठीक है, इसमें गए कलर डायलॉग में, पहले सबको हम लोग ऑफ करते हैं, ऑफ कर दिए। सब गायब जी? बोलिए। अब बॉटम्स पे गए, ठीक है, बॉटम्स में पिन, पिन जैसे सेलेक्ट किए क्या गया जी, कहां कहां ड्रिल होगा, समझ में आ रहा है ना? अब ये सिर्फ बॉटम पार्ट दिखेगा, कहां कहां ड्रिल, ठीक है। उसके बाद वाया, उसके बाद ईच, उसके बाद बाउंड, ठीक है। सर एक बार स्टेप का नाम और बोले तो। अरे कुछ नहीं, एक मिनट, ये कुछ नहीं, यहाँ डायलॉग था, देखना चाहते हैं इसको कि नीचे से ये दिखना कैसा चाहता है। ठीक है, तो कलर डायलॉग में गए, ये कलर 192 लिखा हुआ आ रहा है। यस सर। इस पे क्लिक किए, पहले सब कुछ ऑन था, ठीक है, सबको ऑफ किए, ठीक है। ऑफ करने के बाद बॉटम वाला जो है, बॉटम पे हम पहले पिन सेलेक्ट किए, पिन मतलब कहाँ कहाँ ड्रिल होगा, फिर वाया, फिर ईच और फिर बाउंड, इस तरीके से। और फिर यहाँ क्या करेंगे, अप्लाई और ओके, ठीक है। ये आपको बॉटम में दिख गया, यही चाहिए ना जी हमें? बोलिए। यस सर। अगर जहां जहां डॉट दिख रहा है वहां ड्रिल हो जाए, और कनेक्शन तो पहले से बन गया है, तो हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. हो जाएगा सर। यस। अब क्या करेंगे, डिस्प्ले में कुछ कुछ स्टेप है, डिस्प्ले में व्यू में कलर व्यू सेव में जाएंगे, BOTL बॉटम लेयर सेव, ये देखिए 3D व्यू दिख रहा है, दिख रहा है 3D व्यू जी? यस सर। बोलिए 3D व्यू दिख रहा है कि नहीं? यस सर। ये कैसा मेरा सर्किट दिखेगा? देखिए टॉप से ऐसा दिखेगा, दिख रहा है ना सर्किट हमारा? yes, टॉप sir. से ऐसा दिखेगा। यस सर। फिर व्यू में हम लोग बॉटम से देखना चाहेंगे तो इस तरीके से दिखेगा।
फिर फ्रंट से देखेंगे तो इस साइड से दिखेगा, कोई भी कैमरा एंगल से आप लोग देख सकते हैं, लेफ्ट राइट जो भी है। ठीक है सर, अब क्या करना है बोलिए। राउटिंग हो गया, गड़बड़ फाइल जनरेशन सर, गड़बड़ फाइल जनरेशन, गड़बड़ फाइल और गड़बड़ फाइल इससे निकालना है और फिर ड्रिल फाइल निकालना है, मतलब जो जो भी है जी कोड है। ठीक है तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यस सर, यस ओके सर, कल कल इसमें देखेंगे कि आगे क्या है। ठीक है, अटेंडेंस कैसे बना के भेज रहे हो ना जी? जी सर, अटेंडेंस बना के भेज रहे हो? थैंक यू। अरे पहले जो पूछ रहा हूँ थैंक यू बाद में बोलिएगा, अटेंडेंस बना के भेज रहे हो ना आप लोग? यस सर, यस सर, यस सर। ओके ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके सर, सर वीडियो YouTube पे अवेलेबल करवा दीजिएगा, आज का सर नहीं दिख रहा था शुरू। ओके ओके ओके, मैं देखता हूँ सर से बात। यस सर, ठीक है, यस सर। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल और आगे इसका देखेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर, ओके थैंक यू।